हम लोग ये तानाशाह है, तानाशाही कर रहे हैं, उसके पुतले में आग लगाई है हम लोगों ने। तानाशाही को आज यहाँ पे पुतला फूंक के हमने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। ये आज जो हमने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, आज तानाशाह का हमने पुतला फूंका है, जो है ना डाइवर्ट करने के लिए ईडी के छापे मारता है। औरतें हमेशा केजरीवाल के साथ रही हैं। बीजेपी ने किया है, बीजेपी को इसका उल्टा पड़ेगा। आज ये प्रदर्शन हुआ है, हमने तानाशाह का पुतला जलाया है। सब लोग मोदी पार्टी के समर्थक हैं, केजरीवाल के समर्थक हैं। यहाँ पे के पास जो चौक है वहीं पे इन्होंने पुतला जलाया है, और दिल्ली के मुख्य इलाकों में तानाशाह का पुतला जलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पुतला जल रहा है। दोस्तों अभी हम तालुकपुरा रोड पे हैं, जितने लोगों को आप देख रहे हैं, इन्होंने पुतला लिया हुआ है, इस पर इन्होंने तानाशाह लिखा हुआ है। ये आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि केजरीवाल के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। ईडी उन्हें निशाना बना रही है, केंद्र सरकार उनको निशाना बना रही है, उन्हें परेशान कर रही है, और जो भी हुकूमत के खिलाफ बोलता है उसे तंग करने की कोशिश हो रही है। इसी के लिए आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो यहाँ रैली निकाल रहे हैं, और उन्होंने पुतला भी बनाया हुआ है, इस पर लिखा हुआ है तानाशाह। उन्होंने नाम तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो ये बताना चाह रहे हैं ये पुतला नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं उनका ही है। आम आदमी पार्टी के सभी समर्थक यहाँ पे रैलियाँ निकाल रहे हैं, केजरीवाल के खिलाफ ईडी का जो एक्शन हो रहा है उसी के खिलाफ ये रैली एक तरह से निकली हुई है। जो 40 फुटा रोड जो आम आदमी पार्टी का MLA ऑफिस है वहीं से ये शुरू हुआ है, और ये बीच में जो हाई टेंशन रोड है इसमें ये लोग चल रहे हैं। देखो दोस्तों, अब जो ये लोग चल के वहाँ से आए थे रोड से, अब यहाँ पे कमल डेरी के पास आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के लोग हैं, इनकी टोपियाँ आप देखे होंगे, ये सब वो है मोदी के उस एक्शन के खिलाफ यहाँ पे जमा हुए हैं जो उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ लिया है। मुझे कहना है इसी का इस्तेमाल एक तरीके से हो रहा है, उसी के लिए आम आदमी पार्टी के जो नेता लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। वो सब आप यहाँ पे देख रहे हैं, शाहीनबाग का ये अमन चौक है, हम लोग ये तानाशाह है, तानाशाही कर रहे हैं, उसके पुतले में आग लगाई है हम लोगों ने। आम आदमी पार्टी के सिपाही है, अरविंद जी के सिपाही है, जो ये न्याय हो रहा गलत हो रहा है, तानाशाही हो रही, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने आए थे, उसमें आग लगाई हम लोगों ने। तानाशाही के खिलाफ जो देश के अंदर चल रहा, जिस तरह से ईडी को आगे कर करके विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, उस तानाशाही को आज यहाँ पे पुतला फूंक के हमने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। जिस तरह से तानाशाही चल रही है देश के अंदर, जो राजनीति चल रही है उसके खिलाफ एक तानाशाह का यहाँ पे पुतला फूंका गया।
राजीव भाई एक सवाल आपसे, मुझे एकता नहीं दिख रही थी, अभी दिख रही है। नहीं नहीं एकता है तो आपको, दरअसल ऐसा नहीं है, वो उस दिन कोई दूसरे रास्ते से गया था, मैं वहीं था जब आपने जिस दिन का फोटो डाला, मैं हर प्रोटेस्ट में था, चाहे अरविंद जी को जिस दिन ईडी ने गिरफ्तार किया मैं भी तब था, महमूद भी था, फिरोज भाई भी थे, आरिफ भी थे, लेकिन अलग अलग पॉइंट पर जो पुलिस ने क्या किया था, पुलिस ने अलग अलग पॉइंट पर गिरफ्तार किए थे, कोई एक पॉइंट नहीं था, इसलिए ऐसा लगा आपको। और दूसरा जो प्रोटेस्ट चल रहा है रमजान की वजह से थोड़ा सा हमारे यहाँ दुश्वारी हो रही है, लेकिन सब एक है, आम आदमी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी में और पार्टी के लिए एक साथ खड़े सभी। अगला एक्शन क्या है, जो जो पार्टी आदेश देगी उस पर हम काम करेंगे। रामलीला मैदान, बीच बीच में संगठन की मीटिंग भी है, उसके अलावा प्रोटेस्ट भी है, और 31 तारीख में रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की रैली, बल्कि पूरे इंडिया की रैली है, और इंडिया गठबंधन की रैली और बल्कि आवाम की रैली है, वो अन्याय के खिलाफ, जाति के खिलाफ, ये सब एकजुट होकर इकट्ठे होंगे। ये आज जो हमने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, आज तानाशाह का हमने पुतला फूंका है, आज जो अरविंद जी के साथ इन्होंने बर्बरता और उनको भेजा गया है जेल, आज अरविंद जी को बंद करोगे, करोड़ों करोड़ लोग अरविंद केजरीवाल है, आज पूरी दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान अरविंद केजरीवाल बन चुका है, आज सारे ये झुकेंगे, ये तानाशाह सरकार झुकेगी, एक दिन कल देखना तानाशाह सरकार झुकेगी। तानाशाह है देश के सेकुलरिज्म को, देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, हमारी लड़ाई गरीबी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज के खिलाफ है, जो अभी तक जो है 10 साल से तानाशाह नहीं दे पाया है, और दूसरा ये है कि तानाशाह जो है ना डाइवर्ट करने के लिए ईडी के छापे मारता है, ओपोजिशन के लीडरों को गिरफ्तार करता है, अब हमारे मुख्यमंत्री को उसने गिरफ्तार कर लिया और प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। औरतों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, औरतें क्या सोच रही है इस पूरे मामले में? क्यों नहीं, औरतें हमेशा केजरीवाल के साथ रही हैं, और ये आपने भी देखा है हम लोगों को यहाँ पर जो सीटें जितवाई हैं 50% लेडीज का यहाँ पर सपोर्ट रहा है, और आए या ना आए हमारे साथ है, और ऐसा कुछ नहीं है कि औरतें नहीं है, औरतें और मर्द जब हम राजनीति में कूद जाते हैं तो सब बराबर है। जो बीजेपी ने किया है बीजेपी को इसका उल्टा पड़ेगा, बीजेपी समझ रही थी केजरीवाल को अंदर करके जो है हम आप पार्टी को खत्म कर देंगे, लेकिन केजरीवाल जी को अंदर करने के बाद आप पार्टी दोबारा से जिंदा हो गई है, घर घर में बच्चे बच्चे के जुबान पे जो है केजरीवाल जी का नाम है, और इंशाल्लाह आने वाले अभी इसी लोकसभा चुनाव के अंदर हम करके दिखाएंगे कि केजरीवाल पूरे बहुमत से दिल्ली के अंदर आएंगे। आज ये प्रदर्शन हुआ है, हमने तानाशाह का पुतला जलाया है, और इस चीज को समझना इसलिए जरूरी है कि देश आज गलत हाथ में चला गया है, एक केजरीवाल को ये मतलब इलेक्टेड मुख्यमंत्री को ले जाकर तानाशाही के अंडर रहा, अपने अपना दबदबा दिखाने के लिए इलेक्टेड मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल देते हो, जो अपने राज्य के लिए आजादी के बाद इतना विकास किसी ने नहीं किया, उसके बाद से ये सब जो हो रहा है, तो हमने आज इसलिए पुतला जलाया अपने देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है, केजरीवाल जेल में नहीं है, लोकतंत्र आज जेल में चला गया है, इसके बारे में सोचना जरूरी है कि अगर हमारे ऐसे नेता अगर जेल में चले जाएंगे तो कौन बात करेगा हमारे संविधान को, कौन बात करेगा हमारा लोकतंत्र को, कौन बात करेगा भगत सिंह को, हमारे बच्चों को कौन देगा ये सब शिक्षा, एजुकेशन पे काम किया केजरीवाल ने, मेडिकल सिस्टम पे काम किया, गरीबी पे काम किया, भुखमरी पे काम किया, अब देखो ना दिल्ली को छोड़ दो, उसके बाद से जितने भी स्टेट है उनकी हालत देख लो आप, आज केजरीवाल को जेल में डाल दिया, क्यों डाल दिया गया, ईडी के द्वारा अरेस्ट करके डाल देता है, अरेस्ट कर लिया गया ना, तो लोकतंत्र आज लोकतंत्र अरेस्टेड है भाई।